So, iOS 16.5 स्टेबल वर्जन रिलीज हो चुका है और जानते हैं उसमें क्या नए फीचर्स आए हैं। सबसे पहला फीचर आया है वो ये है कि आप अपने iOS को अपडेट कर सकते हो अगर आपके फोन की बैटरी 50% से भी कम है। और एक नई प्राइड सेलिब्रेशन वॉलपेपर भी ऐड की गई है फॉर LGBTQ+ कम्युनिटी। TVOS 16.5 आपको मिलता है एक मल्टी व्यू जिसमें आप स्पोर्ट्स स्ट्रीम कर सकते हो और 4 अलग अलग सेक्शन में आप अलग अलग स्पोर्ट्स देख सकते हो। एप्पल म्यूजिक की बात करें तो उसमें भी कुछ नए फीचर्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि आप सेट लिस्ट और टूर लिस्ट देख सकते हो। हालांकि ये अभी सिर्फ 10 सिटीज तक लिमिटेड है जिसमें काफी ज्यादा US के हैं और कुछ लंदन, पेरिस, बर्लिन ऐसे हैं। और एक फीचर ऐड किया गया है एप्पल मैप्स में गाइड्स का, विच इज सिमिलर टू एप्पल म्यूजिक टूल लिस्ट फीचर। और भी काफी सारे बग्स फिक्स किए गए हैं रिलेटेड टू होम किट, स्पॉटलाइट सर्च, पॉडकास्ट इन कारप्ले और स्क्रीन टाइम वाला एक इशू था। और इस अपडेट में थोड़ी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हुई है और बैटरी लाइफ भी स्लाइटली इंप्रूव हुई है। तो क्या आपको अपडेट करना चाहिए iOS 16.5? मेरी राय में आई थिंक इट्स वर्थ द अपडेट, तो आपको डेफिनेटली कर लेना चाहिए। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए iGeeks Blog हिंदी को ऐसे ही मस्त कंटेंट के लिए।